नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कार ड्राइव में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ न्यू जनरेशन महिंद्रा स्कॉर्पियो के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि महिंद्रा अपने न्यू जनरेशन स्कॉर्पियो की टेस्टिंग काफ़ी टाइम से इंडिया के अंदर कर रहा है, और हम पिछले 100 साल से सुन रहे हैं कि महिंद्रा स्कॉर्पियो का न्यू जनरेशन आने वाला है और अभी तक नहीं आया है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा कन्फर्म बताऊंगा कि न्यू जनरेशन स्कॉर्पियो कब तक आएगी और किस प्रकार की इसका डिज़ाइन रहने वाला है, क्या इसके अंदर आपको प्राइस और फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर देना। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। न्यू जनरेशन स्कॉर्पियो को कई बार इंडिया के अंदर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। तो इस टेस्टिंग मॉडल को देखने पर लग रहा है कि जो न्यू जनरेशन स्कॉर्पियो है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा बड़ी रहने वाली है और साथ ही उससे ज़्यादा प्रीमियम रहने वाली है। इसके फ्रंट के अंदर आपको नए डिज़ाइन के हेडलैम्प देखने को मिलेंगे। इसके अंदर आपको डुअल चैम्बर प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिल जाएंगे। वही इसके अंदर आपको महिंद्रा अल्ट्रा जी फोर से इंस्पायर्ड फ्रंट ग्रिल देखने को मिल जाएगी। बात करें इसके रियर साइड की, तो इसके रियर साइड में आपको फुली LED टेल लैम्प सेटअप, शार्क फिश एंटीना, रियर स्पॉइलर, रियर वाइपर एंड वॉशर जैसे शानदार एक्सटीरियर फीचर्स इस गाड़ी के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। वहीं इस गाड़ी के फ्रंट एंड रियर में आपको SUV स्टाइल के स्किल प्लेट्स, रूप रेल्स, बॉडी कलर ORM विद टर्न इंडिकेटर्स, और साथ ही साथ इस गाड़ी के अंदर आपको स्कॉर्पियो की बैजिंग मिल जाएगी। यानी कि जो न्यू जनरेशन स्कॉर्पियो आएगी उसे स्कॉर्पियो स्टिंग या फिर स्कॉर्पियो N नाम से इंडिया के अंदर लॉन्च किया जाएगा। अब बात करें इसके प्राइस के बारे में, तो न्यू जनरेशन स्कॉर्पियो को इंडिया के अंदर 12 लाख रुपए की यानी कि 12 लाख रुपए की शुरुआती एक्स शोरूम प्राइस के साथ इसे इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च किया जा सकता है। वह इसके टॉप वेरिएंट की जो प्राइस है वो 22 से 25 लाख रुपए तक रहने वाली है। न्यू जनरेशन स्कॉर्पियो पहले से ज़्यादा प्रीमियम रहेगी और इसके अंदर आपको पहले से ज़्यादा बड़ी होने के कारण इसके कैबिन में भी आपको ज़्यादा स्पेस देखने को मिल जाएगा। वहीं इसके अंदर आपको जो थर्ड रो है वो फ्रंट फेसिंग थर्ड रो स्टैंडर्ड ही देखने को मिल जाएगी। हाल फिलहाल करंट स्कॉर्पियो के अंदर आपको ऑप्शनली मिलती है साइड फेसिंग और फ्रंट फेसिंग जो है ऑप्शनली आप ले सकते हैं, लेकिन न्यू जनरेशन स्कॉर्पियो के अंदर आपको फ्रंट फेसिंग थर्ड रो स्टैंडर्ड देखने को मिल जाएगी। क्योंकि न्यू जनरेशन स्कॉर्पियो पहले से ज़्यादा इसकी लेंथ है वो पहले से ज़्यादा रहेगी, साथ इसके अंदर आपको सनरूफ का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। हालांकि ये पैनोरामिक सनरूफ नहीं रहेगा, नॉर्मल सनरूफ ही रहेगा, लेकिन इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा न्यू जनरेशन स्कॉर्पियो के अंदर आपको डीजल के साथ साथ पेट्रोल इंजन भी देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको 2.2 लीटर का MHOG डीजल इंजन और 2 लीटर का M स्टेलियन टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर।